जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के 18, 19 और 20 मई के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले चंद्रमा का गोचर की बात करेंगे। चंद्रमा का गोचर 18 और 19 मई को धनु राशि में रहेगा और 20 मई को मकर राशि में रहेगा। तो पहले हम 18 और 19 मई की बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि वालों को क्या परिणाम मिलेंगे। तो 18 और 19 मई को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, यानी कुंभ राशि वालों के आय भाव में रहेंगे, एकादश भाव में रहेंगे। एकादश भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। धन के मामले में यानी आय के मामले में कोई दिक्कतों का सामना 18 और 19 मई को नहीं करना पड़ेगा। सफलता मिलेगी आपको व्यापार कारोबार में, नौकरी में, दोनों में सफलता मिलेगी और आपके परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी अच्छे होंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे। शिक्षा में सफलता मिलेगी और बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे और आपको परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में बहुत मधुरता देखने को मिलेगी। बाड़ी अच्छी रहेगी आपकी, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिलेगा। जीवन साथी अगर आपका कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करता है तो वहाँ से आपको लाभ देखने को मिलेगा और प्रेम संबंधों में आपके साथी के साथ प्रेम संबंध मधुर होंगे। बस व्यर्थ की वाद विवाद से बचना है, ईमानदारी रखनी है प्रेम संबंधों में, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखकर चलना है। धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 20 मई को चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। अगर आप विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं तो वहां आपको लाभ देखने को मिलेगा। विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है आपका तो वहां पर लाभ देखने को मिलेगा। अगर कोई कार्य आपका हॉस्पिटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे आपका क्लिनिक है, चाहे नर्सिंग होम है, या फिर आप डॉक्टर हैं, या फिर आप पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, कोई मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। खर्चों की अधिकता देखी जा सकती है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ खर्च हो सकता है, आपके स्वास्थ्य को लेकर खर्च हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर खर्च हो सकता है, इन बातों का ध्यान रखकर चलना होगा। बाकी इस समय पर कुंभ राशि वालों के धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन इस समय पर आपका संतुष्ट रहेगा, मानसिक मजबूती में वृद्धि होगी और आप इस समय पर अच्छा महसूस करेंगे, खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं। इस समय पर आप आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा भी आपको हो सकता है, समाज में मान सम्मान मिलेगा। इस समय आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी और आपको, जैसा मैंने बोला कि जीवन साथी का स्वास्थ्य, संतान का स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। इस समय पर आपके अचानक खर्चे आ सकते हैं तो खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको अवश्य ही चलना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह आप आसानी से कर पाएंगे और घर में भी आपको इस कारण से मान सम्मान देंगे सभी लोग। और जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हैं उन्हें इस समय पर पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ उनको मनचाहा ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। इस समय पर धन और आय भाव के स्वामी जो हैं वो गुरुदेव हैं और वो आपके धन भाव दूसरे भाव में ही स्थित हैं। ऐसे में आप अपने केवल लक्ष्यों की ओर ही ध्यान दें और कुंभ राशि के लोगों के लिए इस समय पर समय अच्छा है। शिक्षा से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस समय आपके धन के मामले में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस समय पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये 3 दिन कुंभ राशि वालों के लिए 18, 19 और 20 अच्छे परिणाम देने वाले हैं। चलिए उपाय की बात करें तो आप इन 3 दिनों में किसी एक गरीब व्यक्ति को भी कुछ भोजन करा दें, किसी अंधे को करा दें, कुष्ठ रोगी को करा दें तो और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी भी एक गरीब व्यक्ति को अगर आप भोजन भी करा देंगे तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये कुंभ राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर दशा
और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।